हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में चेन क्लीन करने के बारे में बता रहा हूँ। घर में आप देख सकते हो, मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ, पहले बिफोर का इमेज है, बाद में आफ्टर डालता हूँ। चेन क्लीन करने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए, मैं बताता हूँ क्या चाहिए। मैं क्लीन करने के लिए केरोसिन ले रहा हूँ। मेरे इधर घर पे केरोसिन था, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। आपके उधर मिलता है तो ले लो, नहीं तो डीजल या पेट्रोल से भी कर सकते हो, सभी का रिज़ल्ट एक ही आता है। और आपको कोई वेस्ट टूथपेस्ट चाहिए। मैं इधर वैक्स पूल का चेन लूप ले रहा हूँ, मेरे पास यही था। आप मोटुल का भी ले सकते हो या रोल ऑन का भी ले सकते हो आपके हिसाब से। एक वेस्ट कपड़ा चाहिए, एक बाउल चाहिए, एक नॉर्मल सी वेस्ट, एक ग्रीस पे हो जाते हैं इसलिए मैं वेस्ट लिया। और एक वेस्ट पेपर चाहिए। चलिए शुरू करते क्लीनिंग करने के लिए। गाइस, मैं चेन क्लीन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लिया मैंने केरोसिन इस बाउल में। अब क्लीन करने का स्टार्ट करते हैं। मैं क्लोजअप देता हूँ। सो गाइस, अभी चेन क्लीन एवरी 400 किलोमीटर्स करना चाहिए। सो उसके पहले क्या होता है, जब व्हेन यू गो फॉर ए ट्रिप, आफ्टर द ट्रिप जस्ट गो फॉर द चेन क्लीनिंग। सो इससे क्या, चेन का लाइफ ज़्यादा आता है आपको। सो एक रीज़न आता है। और रेगुलर में क्या होता है, वो जो चेन का आवाज़ साउंड आता है ना, वह सो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए क्लीन योर चेन एंड डू लुब्रिकेट योर चेन रेगुलरली। गाइस, आप देख सकते हो कि चेन अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है इधर। अब मैं गाड़ी वॉश करने जा रहा हूँ। वॉश करने के बाद मैं सूखने के लिए तोड़ता हूँ थोड़ा आधा घंटा। उसके बाद में मैं चेन लूप मारता हूँ और ओवरनाइट छोड़ता हूँ उसको। सिलिकॉन कवर इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सनलाइट एंड ऑल्सो फ्रॉम द डस्ट, सो डू यूज़ दिस सिलिकॉन कवर।